सा लेटेस्ट ट्विस्ट, इस मामले में ऐसी क्या बात सामने आई है जिसकी वजह से आप आपको शक है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। अभी जो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो मैंने रिलीज़ की हैं, तो जो भी डॉक्टर थम्पू ने पहले मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे, तो वो उनको गलत प्रूफ करती है कि जो भी उनके एलिगेशंस थे वो गलत थे। इनफैक्ट जो मेरे सुपरवाइज़र ने भी जो एलिगेशंस मुझ पे लगाए थे कि वो मुझे प्रेशराइज़ कर रही थी थीसिस लिखने के लिए, ऐसा नहीं था। आप मेरी ऑडियो में सुन सकते हो, बल्कि मेरे सुपरवाइज़र जो है वो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं मेरी थीसिस लिखने के लिए। तो अगर वो गिल्टी नहीं है तो कोई भी सुपरवाइज़र किसी स्टूडेंट की थीसिस लिखने के लिए क्यों ऑफ़र करेगा? प्रिंसिपल की तरफ से आप पे कोई दबाव था या किसी प्रकार का उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी आपकी स्टेटमेंट को, आप पे दबाव डाला कि आप विदड्रॉ करिए कंप्लेंट? हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो डिपार्टमेंट में मैंने कंप्लेन सबमिट की थी वो विदड्रॉ करने के लिए उन्होंने बोला था, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनके इंस्ट्रक्शंस पे चलूँगी तभी मेरी PhD सेफ रह सकती है, अदरवाइज़ फिर मेरी PhD नहीं होगी। तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि फिर पूरा मीडिया हंगामा होगा, जो भी कुछ होगा, बट इट इज़ सर्टेन कि तुम्हारा PhD नहीं हो सकता। आज आप बात कर रही हैं, बता रही हैं अपने पूरे घटना के बारे, उसके पीछे मतलब आप क्या न्याय चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं कि इसका रिलीफ आपको क्या मिले? मैं चाहती हूँ कि जो मेरे सुपरवाइज़र ने मेरे साथ किया जो भी, उनको उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। और प्रिंसिपल ने जिस तरह से मुझे मिसगाइड किया और मुझे मिसगाइड करके जो मुझसे लेटर्स लिए और फिर वही लेटर्स अब वो मीडिया में न्यूज़पेपर में दिखा के अपने आप को सही प्रूफ कर रहे हैं, जबकि मेरी जो ऑडियो है वो उनको गलत प्रूफ करती है। उसमें सारी चीज़ें साफ़ हैं, वो एक जगह बोल रहे हैं कि कंप्लेन आज ही विदड्रॉ कराइए वरना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और मेरे हाथ से छूट जाएगा। तो और उन्होंने उनके लिए कॉलेज की रेपुटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी डिग्निटी और सेफ्टी के कंपैरिजन में। आपने उन पे विश्वास किया, उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया? हाँ, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में प्लीज़? हाँ, उन्होंने पहले मुझे और मेरे पेरेंट्स को इतना अश्योरेंस दिलाया कि ये बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है और इसके सेफ्टी डिग्निटी और इसके PhD की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं, और इतना अश्योरेंस दे के उन्होंने मुझसे लेटर भी लिखवाए, और फिर उसके बाद वो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, जब तुम कंप्लेन विदड्रॉ करोगे और मुझे ये लिख के दोगे कि ये सिर्फ अकेडमिक प्रॉब्लम है जो कि नहीं है, तो फिर उन्होंने उस टाइम जब उन्होंने ये सेंटेंस बोले थे तो फिर मुझे लग गया था कि ये मेरे फेवर में नहीं है, और तब उन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया था। आज की तारीख में आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या रिलीफ आप सीख कर रहे हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि प्रिंसिपल ने जिस तरह से मुझे मिसगाइड किया है तो उनको एज पर लो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी हेड इंस्टीट्यूट का इस तरह की हरकतें ना करें, किसी को मिसगाइड ना करें, और मेरे जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी जो उन्होंने किया उसके लिए पनिशमेंट हो। आपकी PhD खतरे में है? हाँ, मेरी PhD अभी खतरे में है, और अगर मैं अभी कोई सुपरवाइज़र चेंज करती हूँ तो मुझे दोबारा से अपना रिसर्च वर्क शुरू करना पड़ेगा, और जो मेरे 3 साल का जो भी रिसर्च वर्क है और टाइम है वो सब वेस्ट हो जाएगा। आज हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 19 अगस्त तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पुलिस को वो अपने आप को पेश करेंगे, जब भी पुलिस ये कहे कि उनकी ज़रूरत है जांच में। आप क्या इससे संतुष्ट हैं, आप क्या और एग्रेसिव अप्रोच चाहती हैं पुलिस का? हाँ बिल्कुल, अब तक उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? एंटीसिपेटरी बेल की एक्सटेंशन मिली है आज फिर 19 अगस्त तक के लिए हाईकोर्ट से। तो मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था अब तक। आपको लगता है अरेस्ट से आपका केस आगे बढ़ेगा? इसका आंसर मैं नहीं दे सकती।